भिवाड़ी में बाबा मोहनराम मंदिर के पास ओपीएस क्रिकेट ग्राउंड में चल रहे कॉर्पोरेट डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रही पॉलीप्लास्टिक कंपनी की क्रिकेट टीम का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होंडा कंपनी की टीम से हुआ। टूर्नामेंट संचालक रवि पूनिया ने बताया कि पहले सेमीफाइनल में एसआरएफ कंपनी का मुकाबला आरएचआई मैग्नेसिटा कंपनी से हुआ, जिसमें आरएचआई मैग्नेसिटा कंपनी ने 7 विकेट से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में पॉलीप्लास्टिक कंपनी के कप्तान लव खन्ना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 144 रन बनाए, जिसमें लव खन्ना ने 33, अनूप ने 24, विशाल ने 29, संदीप यादव ने 23 रनों का योगदान दिया। इसके जवाब में होंडा कंपनी ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 126 रन ही बना सकी, जिसमें नितिन भाटिया के शानदार 52 रन में होंडा कंपनी के कप्तान संजीव कंबोज सहित पूरी टीम का संघर्ष भी होंडा कंपनी की हार टाल नहीं सके। पॉलीप्लास्टिक कंपनी के गेंदबाज रोहित ने 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने, उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। पॉलीप्लास्टिक कंपनी ने आज फील्डिंग में कोई गलती नहीं करते हुए टिंकू यादव ने 3 और सतपाल यादव ने 2, विशाल ने बाउंड्री लाइन पर दौड़ लगाते हुए होंडा के कप्तान संजीव का शानदार कैच पकड़ मैच में जीत सुनिश्चित की और पॉलीप्लास्टिक कंपनी ने 18 रनों से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। अब उसका फाइनल में मुकाबला आरएचआई मैग्नेसिटा कंपनी से होगा। इस मौके पर दोनों कंपनी के अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे, जिसमें पॉलीप्लास्टिक कंपनी के प्लांट हेड किरण शर्मा, एचआर हेड भूपिंदर सिंह, दिनेश बेदी, पवन दिनेश यादव, अभिषेक अनुज राणा, महेंद्र यादव, दुर्गा राम, सत्यवान यादव, धर्मेंद्र शर्मा, लौकी सैनी, रविंद्र आकाश, नरेंद्र सुनील, तेजपाल यादव, गौरव प्रदीप, जोगिंदर आशीष, जॉनी अनुज, रोहित दीपक, जतेंद्र, अजय प्रताप, सोनू अमित सहित कई खिलाड़ी मौजूद रहे।